दुश्मने जान है जो मेरी जान है। रुबाब आई है। अच्छा रुबाब आई है। लो भाई हम अभी याद कर रहे थे और बेटी आ भी गई है। तो कहाँ है, मुझे मिली क्यों नहीं अभी तक आकर? वो रमेश के साथ उसके कमरे में गई है, परेशान लग रही थी। अच्छा मैं जाकर देखता हूँ। अब ऐसा होगा जी हमारे साथ। रुबाब बेटा कैसी हो मेरी जान? कितना अच्छा हुआ ना हम एहसन भाई से मिलने आए और तुमसे मुलाकात हो गई। जी अच्छा हो गया। मामू आप कैसे हैं? बेटा अल्लाह का करम है। हातिम साहब कैसे? अरे चाय आपने बना ली, मैं थोड़ी देर पहले आ जाती तो मैं बना के पिलाती अपने हाथ से। अब्बा तबीयत कैसी है आपकी? बुखार ठीक है? ठीक हूँ बेटा। आतिम नहीं आया तुम्हारे साथ? नहीं वो इस वक्त कैसे आते, ऑफिस में होते हैं ना। वो आपकी तबीयत का सुना तो मैं फौरन आ गई, गाड़ी भी वर्कशॉप गई हुई थी तो रिक्शे में आना पड़ा। अच्छा तो रिक्शा में आई है तुम? बेटा ऐसे ना किया कर, उसके साथ गाड़ी में बैठ कर आ जाती है, ऐसा क्यों करती है? अरे एहसन भाई अच्छा किया ना आ गई, चलो इसी बहाने हमसे मुलाकात तो हो गई। रुबाब बेटा वो आतिम ने जहीर की नौकरी के बारे में कुछ सोचा है? जहीर ने बात की थी ना उसके साथ? आपने बात की थी, वो अभी उनके ऑफिस में कोई वैकेंसी नहीं है, जैसी होगी वो जहीर भाई के लिए जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। अच्छा अच्छा बेटा उसको याद करवाती रहना। जी अच्छा और सुनाओ तुम्हारे सास ससुर वापस आए क्या, मुलाकात हुई तुम्हारी उनसे? वो आप लोग खाने में क्या खाएंगे मुझे बताएं, मैं अपने हाथ से कुछ बना के अभी लाती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, हम काफी देर से आए हुए थे, अभी घर जाना है क्योंकि वहाँ जहीर अकेला है, वो भी इंतजार कर रहा होगा। चलो नहीं। जब बच्ची कह रही है तो अरे बच्ची कह रही है, वहाँ बच्चा घर में अकेला पड़ा हुआ है, उसके भी खाने का कुछ करना है, उठो। अच्छा भाई अच्छा भाई अच्छा बेटा मैं हातिम से बात करता हूँ। शादी हुई है तुम्हारी उसके साथ, इज्जत हो तुम उसकी, उसके वालिदैन कैसे तुम्हें बेइज्जत करके घर से निकाल सकते हैं? उसके अब्बा नहीं मानते, वो कभी नहीं मानेंगे अब्बा। मुझे पता है अब्बा, आप ही ने उन्हें ठीक तरह से बताया ही नहीं होगा, डर डर कर तो बात करती हैं ये। इतनी बड़ी बात है, यानी एक लड़की अपने मुंह से कह रही है तो उन्हें यकीन कर लेना चाहिए। मगर नहीं गलती मेरी ही है, मुझे रुख्सत ही नहीं करना चाहिए था, निकाह हो गया तो ठीक है हुआ रहता, उसके वालिदैन आते फिर मुझे रुख्सत करना चाहिए। अब्बा आप परेशान ना हो, आती मैं सब ठीक कर लेंगे। उनके अब्बा बहुत गुस्से में थे, उन्हें मुझे बहुत बुरा भला कहा अब्बा। रमेश फोन लेकर आओ मेरा। जी आप क्या कहेंगे अब्बा उनसे? वही जो रुबाब के बाप का हक है, मेरी बेटी गिरी पड़ी है, जिसका जो चीज चाहे जब चाहे वो कह दे।